और वो दोनों पूर्व प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको इतनी अकल नहीं थी WTO साइन करने के पहले? अमेरिका के लोगों को ये अकल है कि संविधान संशोधन कर लिया और संशोधन ऐसा किया कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और अमेरिका का संविधान में झगड़ा है, तो संविधान अमेरिका का महत्वपूर्ण है, संधि का कोई महत्व नहीं है। ये भारत में भी अगर हम करते तो हमारे ऊपर ये वैट लागू नहीं होता। तो जिस व्यक्ति को मैंने महाराज जी ये कही थी, वो व्यक्ति मुझको बोला अंग्रेजी भाषा, वो भारत का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता बैगर्स हैव नो चॉइस। और ये व्यक्ति जिसने मुझे ये कहा, उसका नाम है इंद्र कुमार गुजरा, जो भारत में प्रधानमंत्री रह चुका। वो कहता हम भी ये कर सकते थे संविधान संशोधन, लेकिन चूंकि हम भिखारी हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो हाथ फैला के अमरीका के सामने खड़े हैं भीख मांगने के लिए, जो कर सकता है वो अमरीका कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। बैगर सर नो चॉइस। तो इस कारण से हमने तो संविधान संशोधन बिना किए गैट करार सही कर दिया, तो गैट की हरेक शर्त हमारे ऊपर अब भारी पड़ने वाली है। अमेरिका ने संशोधन करके गैट करार सही किया, तो कोई भी काम जो अमेरिका विरोधी है गैट के अंदर है, अमेरिका उसे नहीं माने तो कोई उसका कुछ नहीं गिरा सकता। एक वो कहावत भी है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत जिसके हाथ में है, कानून उसके पक्ष में है, नियम उसके पक्ष में है, संधि उसके पक्ष में। आज अमेरिका के हाथ में ताकत है तो सब कानून, सब संधि, सब नियम उसके पक्ष में है। दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी नियम अमेरिका जब चाहे तब तोड़ सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आपने देखा दुनिया के सारे नियम तोड़कर उसने इराक पर हमला किया। पहले दुनिया को बताया कि उसके पास परमाणु बम है, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, इराक के पास कोई बम तो क्या बंदूक की गोली नहीं निकली, न एटम बम, न एटम बम, न हाइड्रोजन बम, न कोई बम। फिर अमरीका ने हमला किया तो कहता हां किया, अभी जिसको जो करना है कर ले, किसी ने क्या कर लिया उसको। यूनाइटेड नेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी अमरीका की हाजी 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 करती रहती। अफगानिस्तान पे हमला किया, किसी ने क्या कर लिया। जापान के ऊपर दो एटम बम गिरा दिए अमरीका ने, किसी ने क्या कर लिया उसका। कोरिया के ऊपर बम गिराया उसने, किसी ने क्या किया। वियतनाम के ऊपर बम गिरा दिए, किसी ने क्या किया। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वो भी होता है। कोई संधि हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो, अगर आपकी ताकत है तो सारे नियम कानून आपकी जेब में है, और अगर ताकत नहीं है तो वही नियम कानून आपके लिए फांसी का फंदा है। तो अमरीका तो गैट करार सही करने के बावजूद वैट नहीं लाया, तो कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। हमने सही कर दिया है गैट करार, तो वैट लाना हमारे लिए कंपलसरी हो गया, ये हमारी सरकार कह रही है। अब ये जो शर्त है WTO की, जिसके आधार पर वैट आया है, उस वैट को हिंदुस्तान की सरकार ने एक ड्राफ्ट बना के भारत के 30 राज्यों की सरकार को दे दिया, ऐसा ऐसा कानून बना दो। 30 में से 22 राज्यों में कानून बना के लागू कर दिया, और जिन राज्यों में कानून बना के उसको लागू किया उनकी स्थिति क्या है। 15 मार्च को सरकार ने ड्राफ्ट दिया, 15 मार्च को, और 30 मार्च को ज्यादातर सरकारों ने कानून बना के लागू किया। कुछ राज्य सरकारों की तो यह स्थिति थी कि उनको ड्राफ्ट 27 मार्च को मिला और 30 मार्च को कानून बन गया और 1 अप्रैल से लागू हो गया। कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। और मजे की बात यह है कि यह भारत में पहला ऐसा एक कानून बने टैक्स का जिसको बनाने वालों को मालूम नहीं है कि कानून क्या है। मैं महाराज जी आपसे बहुत गंभीर बात कहता हूं, कानून बनाने वालों को मायती नहीं कानून क्या है, क्योंकि जब यह कानून बन गया, मेरे जैसे कुछ लोगों के हाथ में वो ड्राफ्ट आया। एक बार कर्नाटक राज्य सरकार के वित्त मंत्री को मैंने वो कानून की फोटोकॉपी और मेरे एक चिट्ठी के साथ भेजा, आपने ये पढ़ लिया, इसमें क्या क्या लिखा है आपको अंदाजा है। तो वहां का वित्त मंत्री सिद्धरमैया बोलता नहीं, अभी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली है, कानून बन गया पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। किसने पढ़ लिया है? वो अधिकारियों ने पढ़ लिया। अधिकारियों को जनता से क्या लेना देना है? अधिकारियों की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी जवाबदेही मंत्रियों के प्रति है, मंत्रियों की जवाबदेही जनता के प्रति है, उन्होंने नहीं पढ़ा है और कानून बन गया। कई राज्यों में मंत्रियों ने यह कहा कि हमको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि एक दिन पहले कानून बना, अगले दिन लागू हो गया,
हम उसमें कोई बहस नहीं कर सके, सुझाव नहीं दे सके, ऐसी स्थिति में इस देश में आए तो परिणाम क्या हुआ है? अधिकांश लोगों को माहिती नहीं है बैठ क्या है, जिनके ऊपर लागू हो रहा है उनको माहिती नहीं है, जिनके द्वारा लागू किया जा रहा है उनको माहिती नहीं है। और मैं आपको एक हास्यास्पद बात बताता हूं, पिछले ढाई तीन महीनों से मैं ज्यादा से ज्यादा व्याख्यान बैठ पे कर रहा हूं और बड़े बड़े व्याख्यानों में ऑफिसर आके सामने बैठते हैं, कमिश्नर आके बैठता है, मैं पूछता हूं तुम क्यों आए हो, क्योंकि मैं तो तुमको गाली देने वाला हूं। तो उसने कहा आपके व्याख्यान से माहिती मिलती है कि बैठ क्या है। हमको तो कोई माहिती नहीं दे रहा है कि बैठ क्या है, लागू ऑफिसर को करना है, उसको माहिती नहीं है बैठ क्या है। वो कहता अभी सरकार हमारा एक वर्कशॉप करने वाली है, फिर दूसरा वर्कशॉप होगा, फिर तीसरा वर्कशॉप होगा, धीरे धीरे माहिती मिलेगी, फिर हम लागू करेंगे। तो सभी 10 बार खरीद पर, 10 बार बिक्री पर टैक्स। अब इसमें सरकार ने एक और बात कही है, दो तरह के टैक्स की उन्होंने बात कही है, एक इनपुट टैक्स और एक आउटपुट टैक्स है। वो क्या होता है, 1,00,000 रुपए का आपने माल खरीदा, कल्पना कर 4% उस पर बैठ है, ठीक है, वही माल आपने 2,00,000 रुपए का बेचा और कल्पना करो फिर से 4% उस पर टैक्स है। तो जब आपने खरीदा तब आपको टैक्स भरना है और जब आप बेच रहे हैं तब भी आपको टैक्स भरना है। लेकिन नेट टैक्स जो सरकार के पास जाएगा वो क्या, बिक्री के समय जो आपने टैक्स भरा और खरीद के समय जो टैक्स दिया है, दोनों को घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा, जो आएगा हिस्सा वो नेट टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाएगा। तो आउटपुट टैक्स माने बिक्री के समय दिया जाने वाला, इनपुट टैक्स माने खरीद के समय दिया जाने वाला, दोनों को घटा के आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स वो जो है वो नेट वैट है, वो आपको सरकार के खजाने में भरना है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें समझने की है वैट में, वो ये कि हमारे देश की सरकार ने 550 वस्तुओं पर ये टैक्स लगाया है अभी ये साल। अगले साल सरकार कह रही है कि 2000 वस्तुओं पर और लगाएंगे, चिदंबरम का ये बयान है संसद में, और 2007 में 8000 और वस्तुओं पर लगाएंगे, माने 2007 तक हिंदुस्तान में 10,500 वस्तुओं पर वैट आ जाएगा। कई व्यापारी महाराज जी आज मुझे ये कहते हैं राज भाई हमको क्या, हमारे यहां तो वैट नहीं है, जैसे ये कपड़े का धंधा करने वाले लोग हैं ना टेक्सटाइल वाले, इस पर ये साल वैट नहीं है। तो मैं कहता हूं चिंता मत करो, 6 महीने की देर है, अभी अगला फाइनेंशियल आ रहा है तो तुम्हारे ऊपर वैट आने वाला। तो जो लोग आज ये उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी वस्तु जो हम बेच रहे हैं उस पर वैट नहीं है, अगले साल ऐसी 2,500 वस्तुओं पर कुल हो जाएगा और उसके अगले साल 10,500 वस्तुओं पर हो जाएगा, और 10,500 वस्तुओं का जो उत्पादन हमारे देश में होता है उससे कितनी वस्तु ज्यादा है कुल, तो मात्र 45 वस्तु बचेंगी जिस पर वैट नहीं होगा, बाकी सब पर वैट होगा। जो कुछ भारत में बन रहा है उसमें मात्र 45 वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स नहीं होगा, बाकी सब पर। तो अब हम ये समझ लें कि हम ऐसी कोई वस्तु बेच रहे हैं जिस पर इस साल वैट नहीं है, अगले साल, अच्छा एक जितना कुछ हम बेच रहे हैं अगर उस पर वैट नहीं है तो ये कल्पना मत करिए कि कभी नहीं होगा, अगले साल से और 2 साल के बाद लगभग 10,500 वस्तुओं पर वैट आ जाएगा। एक कदम आगे चलूं, वैट के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे देश की सरकार से जो हमें सुनने को मिल रही है, बार बार हमको ये कहा जा रहा है, रोज टीवी में जाहिरात आता है, अखबार में बड़े बड़े जाहिरात आते हैं, रोज वित्त मंत्री का बयान आता है, उसमें 8-10 माहिती वो दे रहे हैं। पहली माहिती दे रहे हैं वैट आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, एक माहिती, हाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा। दूसरी वो माहिती दे रहे हैं कि दुनिया के 123 देशों में वैट है तो भारत में भी आएगा तो विदेश व्यापार में बहुत मदद मिलेगी। तीसरी माहिती वो दे रहे हैं कि इससे भारत के अधिकारियों की अधिकारशाही, ब्यूरोक्रेटिज्म जिसको हम कहते हैं, लाल फीताशाही, अधिकारशाही, वो बहुत कम हो जाएगी। चौथी माहिती वो हमको दे रहे हैं कि भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। पांचवी माहिती दे रहे हैं व्यापारियों को बहुत सुविधा और सहूलियत हो जाएगी। छठी माहिती वो दे रहे हैं कि चूंकि पूरा सिस्टम सेल्फ असेस्ड
आपके स्वयं के द्वारा असेस किया हुआ है, इसलिए इसमें आपका महत्व ज्यादा होगा। ये चल रहा है, हाँ ठीक। ऐसी ऐसी 10 माहिती दे रहे हैं, मैं आपको एक एक करके इसकी पोल खोलना चाहता हूं। सरकार कितनी झूठ बोलती है हमसे, हमारी सरकार कितना हमसे झूठ बोलती है, उसकी एक एक माहिती मैं आपको अभी देने की कोशिश करूंगा। 2-3 माहिती मैं आपको पहले दे दूं। सबसे पहले जब बैट आया हिंदुस्तान में, आपको मालूम है यही राज्य में आया, याद है आपको 98 में, और परिणाम क्या हुआ, सरकार परेशान हो गई एक ही साल में, और सरकार ने वापस किया उसको। क्यों नहीं लाया आगे तक, क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत तकलीफ हुआ। तकलीफ क्या हुआ, जो अधिकारी वर्ग था उनका ये कहना था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको लगातार चलाए रखना मुश्किल है, इससे अच्छा सेल्स टैक्स है। तो महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और वापस लिया, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई दे जाएगी। दूसरी एक जानकारी आपको दे दूं, हमारे भारत देश में हरियाणा नाम का एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भारत के सबसे पहले राज्यों में स्थान हासिल किया वैट लागू करने का। ओम प्रकाश चौटाला ने पूरी ताकत से वैट लागू किया। हरियाणा के व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, ग्राहकों ने बहुत विरोध किया, चौटाला ने किसी का नहीं सुना। परिणाम क्या हुआ, चौटाला बुरी तरह से चुनाव हार गया, और व्यापारी और उद्योगपति ग्राहकों ने कहा कि अगर ये नहीं सुनता है तो कान पकड़ के उतार दो। अब चौटाला को पूछा जाता है कि आप चुनाव हार गए क्यों, तो कहता है मैंने वैट लागू किया, जबरदस्ती किया, इसलिए चुनाव हार गया। मैं आपको एक और महत्व की बात बताता हूं, भारत के जितने मुख्यमंत्रियों ने वैट का समर्थन किया या वैट लागू करने की बात जोर शोर से कही वो सब चुनाव हारे। महाराष्ट्र के पड़ोस में एक राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सबसे खराब वैट का कानून महाराज जी उसी ने बना, सबसे खराब। और वो सबसे खराब क्या था, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड शो में। उसने सबसे खराब वैट का कानून बनाया और सबसे बुरी तरह से चुनाव हारा दिग्विजय सिंह। दूसरा मुख्यमंत्री हमारे भारत देश में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, वो भी बुरी तरह से चुनाव हारा जो वैट का पूरा समर्थन करता था। तीसरा मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा कर्नाटक में, वो चुनाव इतनी बुरी तरह से हारा कि उसकी अपनी पक्ष की सरकार नहीं बनी, उसके सबसे खराब विरोधी पक्ष के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी कर्नाटक में, और एस एम कृष्णा को कर्नाटक छोड़कर महाराष्ट्र आना पड़ा गवर्नर बनकर, राज्य ही छूट गया वो है। तो जितने मुख्यमंत्रियों ने वैट लाया सब बुरी तरह से चुनाव हारे। कारण क्या है, जनता ने पसंद नहीं किया, जनता ने पसंद नहीं किया, व्यापारियों ने पसंद नहीं किया, उद्योगपतियों ने पसंद नहीं किया वैट को। उसका कारण क्या है, क्यों पसंद नहीं किया, और क्यों 8 राज्यों में अभी तक विरोध हो रहा है, और क्यों मेरे जैसा आदमी इस वैट का विरोध कर रहा है, उसके 3-4 मुख्य मुख्य कारण है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे बड़ा कारण, सरकार कहती है जी दुनिया के 123 देश में वैट है, हम भारत में क्यों नहीं लाए। इसमें सरकार थोड़ा सच बोलती है और बड़ा सच छुपा जाती है। बड़ा सच क्या है, दुनिया के जिन 123 देशों में वैट है वहां पर दूसरा कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई भी दूसरा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, और भारत देश में जहां वैट आ रहा है वहां 14 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, 15वां इनडायरेक्ट टैक्स वैट है। यूरोप के देशों में सबसे पहले वैट आया जर्मनी में, और लैटिन अमेरिका के देशों में सबसे पहले वैट आया ब्राजील। ब्राजील दुनिया का पहला देश है महाराज जी जो वैट लाया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, ब्राजील की सरकार ने सारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म किए उसके बाद वैट लाया, और 20 साल महाराज जी ब्राजील की सरकार ने बहस किया वैट पर, संसद के अंदर संसद के बाहर 20 साल के बाद जनता ने जो कुछ सुझाव दिए, व्यापारियों ने और उद्योगपतियों ने जैसा कहा वैसा वैट आया। तो ब्राजील ने 20 साल लगाया वैट लाने के लिए। 1960 में उनके यहां चर्चा शुरू हुई और 1980 में वैट आया, 20 साल लगा उनको अध्ययन करने के। इसी तरह जर्मनी में
12 13 साल बहस चली जर्मन संसद में, उसके बाद बैठा है। जितने भी देशों में बैठ है, आपको दो बातें महत्व की मैं जानना बताना चाहता हूं। वहां कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सिर्फ वैट है इनडायरेक्ट टैक्स में। और 23 देश तो ऐसे हैं महाराज जी जहां डायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, सिर्फ एक ही टैक्स है वैट। जैसे स्विट्जरलैंड एक देश है, वहां सिर्फ एक ही टैक्स है वैट, और वो इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वहां कुछ भी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, कॉरपोरेट टैक्स है। लक्जमबर्ग एक दूसरा देश है जहां वैट है, बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं। पनामा एक तीसरा देश है जहां वैट है, बाकी कोई टैक्स नहीं। ऐसे 23 देश हैं दुनिया में जहां सिर्फ एक ही टैक्स है वैट, बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है। 84 देश ऐसे हैं जहां पर दो ही टैक्स हैं, एक वैट और एक इनकम टैक्स, बाकी कोई टैक्स नहीं। अब भारत की बात करें, भारत देश में 14 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और ऊपर से वैट। ये स्थिति हमारे देश में। तो आप कल्पना कर सकते हैं जिन देशों ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म किए और वैट लाया, वो सफल होने वाले, क्योंकि जनता को मजा आ गया, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स चले गए, बहुत मजा आ गया, और डायरेक्ट टैक्स भी चला गया, और ज्यादा मजा आ गया। अब जिन देशों में महाराज जी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स भी नहीं है और वैट है, उन देशों में वैट का रेट क्या है, वैट की दर क्या है, और कितनी वस्तुएं हैं जिन पर वैट है। स्विट्जरलैंड की बात करता हूं, स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे ऐसा अद्भुत देश है जहां वैट सिर्फ 1.5% है, 1.5%, और सभी वस्तुओं पर एक जैसा है, 1.5%। माने 100 रुपए का माल बनाइए, 1.50 रुपए टैक्स में दे दीजिए, बात खत्म हो गई। और सिंगल पॉइंट है महाराज जी, एक बार के उत्पादन पर आप 1.5 रुपए भर दीजिए 100 रुपए के माल में, उसके बाद जिंदगी भर के लिए भूल जाइए। ना आपको बिल रखना है, ना कैश मीमो रखना है, ना वाउचर रखना है, ना परचेज रजिस्टर, ना सेल रजिस्टर, ना कोई डॉक्यूमेंट। आपने घोषित किया मैंने 100 रुपए का माल बनाया, 1.5 रुपए भर दिया, बात खत्म हो गई। अब उस माल को आप पूरे यूरोप के किसी भी देश में बेचने के लिए भेज दीजिए, कभी भी दूसरा टैक्स नहीं लगेगा। यूरोप के देशों ने क्या किया है महाराज जी, एक दूसरे के देश जहां पर वैट है वहां कस्टम ड्यूटी भी हटा दिया, कस्टम भी नहीं लेते, आयात कर भी नहीं लेते। तो इतना सरल कर दिया उन्होंने टैक्स के स्ट्रक्चर को, वहां कोई भी दूसरा टैक्स नहीं है, सिर्फ एक वैट है और वो भी 1.5% है। दूसरे कई देश हैं वहां पर किसी में 3.5%, 4%, 6%, 7.5%, 8%, 9%, इसके आगे जाता नहीं है। कुछ सेलेक्टेड वस्तुएं हैं जिन पर 17% है, सेलेक्टेड, जिनकी संख्या 20-25 से ज्यादा नहीं है, हजारों दूसरी वस्तुओं पर बहुत कम है, और बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है। ये सबसे महत्व की बात है जानने की। हिंदुस्तान में जो सबसे खराब बात हो रही है वैट में, वो ये कि दूसरे ढेर सारे टैक्सों के साथ इसको सरकार ला रही है। एक और महत्व की बात है, यूरोप के सभी देशों में वैट जो है ना वो सैंड वैट है, स्टेट वैट नहीं, कहीं भी राज्य सरकार नहीं लाई, केंद्र की सरकार लाई। सैंड वैट और स्टेट वैट में फर्क क्या होता है, अगर आप सैंड वैट भरते हैं तो अपने माल को उस देश के किसी भी राज्य के किसी भी गांव में कभी भी ले जाके बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टेट वैट होने से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सेंट्रल का नहीं है, स्टेट का है, और स्टेट में अलग अलग कानून अगर बना दिए हैं तो तकलीफ ही तकलीफ है। तो इंटर स्टेट बिजनेस बहुत तकलीफ में आता है जब स्टेट वैट होता है, और सैंड वैट होता है तो इंटर स्टेट बिजनेस बहुत सरल हो जाता है। तो दुनिया के सभी देशों में जहां वैट है वो सैंड वैट है, स्टेट वैट नहीं। तीसरी एक और महत्व की बात, जहां भी देशों ने वैट लाया, दुनिया के हर एक देश में दो नियम बना दिए उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम क्या बना दिया कि सरकार जो टैक्स ले रही है वो टैक्स की मालिक नहीं है, जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है टैक्स के माध्यम से, सरकार उसकी मालिक नहीं है, कस्टोडियन है। ये रूल है उनके, नियम है। सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करेगी उसकी वो मिल्कियत नहीं है, संपत्ति सरकार की नहीं है, सरकार उसकी रक्षा करने के लिए गठित की गई है। जैसे ट्रस्टी होते हैं ना, ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति के मालिक नहीं होते, सुरक्षा करने के लिए है, वैसे ही सरकार सभी देशों में सुरक्षा करने के लिए है, मालिक नहीं है। मालिक तो वो है जो टैक्स दे रहा है,
तो वहां नियम क्या बना? जब सरकार कस्टोडियन हो गई और टैक्स पेयर मालिक है, तो मालिक को जब भी जरूरत होगी तो पूरा टैक्स वापस होगा। ये नियम है सभी यूरोप के देशों, लैटिन अमेरिका में। अब जरूरत कैसे होगी, मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप फ्रांस में बिजनेस करते हैं और आपको 20 साल हो गया, आप 20 साल से फ्रांस में वैट भर रहे हैं ईमानदारी से टैक्स में। 21वें साल में एक दिन आपको लगा कि ये फ्रांस अच्छा देश नहीं, इससे ज्यादा अच्छा देश जर्मनी है, और आप अपना सारा बिजनेस जर्मनी शिफ्ट करना चाहते हैं। जिस दिन आप सरकार को कहेंगे कि मैं फ्रांस छोड़ के अब जर्मनी में सेटल होना चाहता हूं और मेरा बिजनेस पूरा मैं जर्मनी ले जाना चाहता हूं, उसी दिन आपका 20 साल का एक एक पाई जो आपने पे किया है वो आपको वापस मिलेगा उसी दिन। और सरकार आपको एक धन्यवाद पत्र देगी, भाई बहुत धन्यवाद, आपने 20 साल तक हमको टैक्स भरा, हमने आपके टैक्स का देश के विकास में इस्तेमाल किया, हमें दुख है कि आप हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए ये टैक्स का पैसा आप अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि हम इसे नहीं रख सकते, हम इसके मालिक नहीं है, मालिक तो आप। आप फ्रांस छोड़ के जर्मनी जाइए, जर्मनी छोड़ के बेल्जियम चले जाइए, बेल्जियम छोड़ के डेनमार्क चले जाइए, डेनमार्क छोड़ के किसी और तीसरे देश में चले जाइए। टोटल जो वैट आपने पे किया है 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, वो एक दिन में आपको पूरा वापस हो जाएगा। आप अपना वैट वापस लेके दूसरे देश में जाइए, बिजनेस शुरू करिए, बिजनेस शुरू करने के बाद वहां पर वैट पे करिए, फिर 20 साल बाद आपका दिल उब जाए, वो देश को छोड़कर और किसी में चले जाइए, वापस मिल जाएगा। इस तरह का नियम है सभी देशों में। और एक नियम है, मान लीजिए आपके धंधे को कोई चोट पाई गई, चोट आ गई कैसे, फ्रांस में आप धंधा करते हैं और भूकंप आ गया, धरती कंप आया, दुकान आपकी टूट गई, फैक्ट्री डूब गई, भूचाल आया, धरती कंप हो गया, आग लग गई, कुछ हो गया, फैक्ट्री बंद, दुकान बंद, सब धंधा बंद, वो दिन आपको आपका पूरा टैक्स वापस मिलेगा, ताकि आप नया धंधा शुरू कर सकें। और नया धंधा शुरू करने में 3 साल तक सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, 3 साल बाद आपसे फिर टैक्स लिया जाएगा। ये दो नियम हैं। भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है और अगले 500 साल बनेगा उसकी कोई कल्पना नहीं। यहां तो क्या है, जितना मिले खींचे जाओ, लेते जाओ, खींचते जाओ, लेते जाओ, अपनी जेब में रखते जाओ, वापस देने का तो प्रश्न ही भारत में नहीं है। तो जहां वैट है वहां के 3 नियम महत्व के हैं। एक तो सिंगल पॉइंट वैट है, दूसरा टैक्स की दर बहुत कम है, और सेंट वैट है, सेंट्रल वैट है, और रिफंडेबल है, और टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करके लाया हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जितने यूरोप के देशों में वैट है वहां पर वैट लेने वाला जो अधिकारी होता है उसके पास कोई जुडिशियल राइट्स नहीं होते। जुडिशियल राइट्स का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। जुडिशियल राइट का मतलब है आपको जेल भेज देने का अधिकार, जुडिशियल राइट है। आपकी संपत्ति जब्त करके बाजार में बेच देने का अधिकार, जुडिशियल राइट है। आपके बीवी बच्चों को जेल भेज देने का अधिकार, जुडिशियल राइट है। ये किसी भी अधिकारी को नहीं होता यूरोप के किसी भी देश में और लैटिन अमेरिका के किसी देश में। उनको अधिकार नहीं है, जुडिशियल राइट्स नहीं है, उनको सिर्फ ड्यूटीज है, राइट नहीं, कर्तव्य है। राइट्स तो टैक्स पेयर को है, कर्तव्य तो टैक्स लेने वाले को है, कलेक्टर को है। और ज्यादातर देशों में जब वैट का कमिश्नर या वैट ऑफिसर किसी व्यापारी को फोन करता है तो एक या दो कंडीशन में ही फोन कर सकता है, बाकी तो फोन भी नहीं कर सकता। कंडीशन क्या है, मान लो आपने टैक्स भरा और गलती से ज्यादा दे दिया, तब वो वैट कमिश्नर आपको फोन करेगा, सर आपका तो मैंने रिटर्न देखा है, आपने तो गलती से ज्यादा टैक्स भर दिया है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपका वापस पैसा देने आना चाहता हूं। आप बोलेंगे सैटरडे को आना, सैटरडे जो है वीकली ऑफ है, संडे ऑफ है, सैटरडे आना, तो आएगा और आपके हाथ में पैकेज देके जाएगा। वो 10,000 यूरो डॉलर का हो सकता है, 50,000 यूरो। यूरोप के जिन लोगों से मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं भाई वेट कमिश्नर का फोन आया, तो कहते राजीव भाई दिवाली होती है उस दिन, जिस दिन फोन आया दिवाली, पक्का है कि हमको 10-20 हजार डॉलर देने आ रहा है,
पक्की बात है, अदरवाइज वो फोन करेगा नहीं आप। एक तो ये कंडीशन में वो फोन करता है। दूसरा कि आपने मान लीजिए टैक्स भरा है और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई बड़ी भारी गलती हो गई है, कोई ब्लंडर हुआ है, छोटी गलती नहीं बड़ी गलती कोई हुई है, या आपका टैक्स कंसल्टेंट से कोई बड़ी गलती हुई है, तब वो आपको फोन करेगा और आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा कि आपकी ये गलती है, मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूं। आप उसको अपॉइंटमेंट का टाइम दीजिए, फिर वो आपके साथ बात करेगा। और आप बोलेंगे मेरे घर में आ जाओ तो आ जाएगा, आप बोलोगे मेरी दुकान में आ जाओ तो आ जाएगा। आपको अगर सुविधा है वो पूछेगा, आपको सुविधा है तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है आपके ऑफिस में आने का, ठीक है मैं आता हूं आपके पास। ये तो होता है वहां का वैट कमीशनर। और यूरोप के कोई भी देश का वैट कमिश्नर टैक्स पेयर को सर करके बात करता है, सर सर सर, ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर, आदि 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 आदि, ये बात करता है। भारत का वैट कमिश्नर आपका सर तोड़ के बात करता है, वो तो सर सर करके बात करता है। भारत का वैट कमिश्नर तो आप जाओगे तो कमरे में कुर्सी नहीं रखेगा, कहेगा बाहर खड़े हो, और खुद बैठा बैठा चाय पीता रहेगा, कहेगा फुर्सत नहीं है, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ। तो टेंडेंसी में बहुत फर्क है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत महत्व की है, फिर मैं आता हूं मुख्य विषय पर। दुनिया के किसी भी देश के वैट कमिश्नर को पगार नहीं होती है, सैलरी नहीं मिलती है, उसको कमीशन मिलता है। जितना वो टैक्स लेगा उसका कमीशन फिक्स होता है और हर देश में अलग अलग है। कोई देश में 0.5%, माने आपने जो टोटल टैक्स इकट्ठा किया उसका 0.5% आपका कमीशन, आपने जो टैक्स इकट्ठा किया उसका 1% कमीशन, 1% से कहीं ज्यादा नहीं है और 0.25% से कहीं कम नहीं है। तो 0.25% से लेकर 1% के बीच में कमीशन फिक्स होता है, किसी को सैलरी नहीं है, कमीशन। और एक मजे की बात, किसी भी वैट कमिश्नर को यूरोप के किसी भी देश में सरकार का घर नहीं मिलता, रहने के किराए के घर में रहना पड़ता, सरकार का टेलीफोन नहीं मिलता, सरकार का मोबाइल फोन नहीं मिलता, सरकार की कार नहीं मिलती, सरकार के फोकट के टिकट नहीं मिलते हवाई जहाज में आने जाने के लिए, बीबी बच्चों को तो कभी कोई सुविधा नहीं मिलती, जो करना है अपने पैसे से करना है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, आपको जो कमीशन मिल रहा है उसी से आपको अपनी जिंदगी चलानी है, बाकी आगे कोई बात नहीं। भारत देश में इसका ठीक उल्टा होता है। वैट कमिश्नर को पगार तो है और उसको ढेर सारे पगार के साथ इमोल्यूमेंट्स है, हाउस टैक्स अलग मिलता है, हाउस रेंट अलग मिलता है, उसके बीवी बच्चे बीमार हो जाते हैं उसके लिए पैसा अलग मिलता है, फोकट की बिजली जलाने के लिए, फोकट का डीजल पेट्रोल फूकने के लिए अलग से मिलता है, बीवी बच्चों को हर साल घुमाने के लिए हिल स्टेशन पे जाए अलग पैसा मिलता है, और उसके मम्मी पापा भी बीमार पड़ जाए वैट कमिश्नर के तो उनको खर्चा अलग मिलता है। तो भारत का जो वैट कमिश्नर है और यूरोप का वैट कमिश्नर है, जमीन आसमान का अंतर है। हमारे देश की सरकार ने ये सारी माहिती छुपाई लोगों से और बोल दिया कि यूरोप के 123 देशों में बैठे तो भारत में भी आना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि उन 123 देशों में किन आधार पर बैठे और हमारे यहां किन आधार पर आए। सबसे खराब बात हमारे देश में जो हुई है वैट में, कि ढेर सारे दूसरे टैक्स भरते हुए आपको वैट देना है। अब इसमें एक और महत्व की बात मैं कह दूं, फिर ये स्लाइड में शुरू करूंगा। भारत देश के नागरिक अगर नेट इनकम कर रहे हैं तो उनको टैक्स देना है इनकम टैक्स। बात समझ में आती है, नेट इनकम। और अगर आप ग्रॉस इनकम कर रहे हैं तो अब आपको टैक्स देना है वैट। वैट जो है ना, ग्रॉस इनकम पर लगने वाला टैक्स है। ये बात सबसे महत्व की है जिस पर मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और महाराज जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं, ये सबको बताएं। आपकी ग्रॉस इनकम अब टैक्सेबल हो गई, नेट इनकम पहले से टैक्सेबल थी, इसका माने आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल हो गई। आप अपनी इनकम छुपा नहीं सकते। वैल्यू एडेड टैक्स लाने के पीछे हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी साजिश है वो ये
कि भारत के व्यापारी और उद्योगपति वर्ग की सारी इनकम सरकार की आंखों के सामने रहे, आप उसे छुपा नहीं सके। अभी क्या होता था?